नमस्कार दोस्तों, मैं एलपीएच जी सी आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा वीनस राहु के कंजक्शन के बारे में और डिटेल्स में। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी उसके बारे में। देखिए, अगर हम शुक्र राहु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करते हैं, देन हम नेगेटिव पे जाएंगे। तो शुक्र और राहु, देखिए शुक्र अपने आप में एक वेल्थ, एक कम्फर्ट, एक खुद का घर जिसका होता है वो भी शुक्र से देखा जाता है, लग्जरियस लाइफ और सुंदरता, वाइफ, एक मेल के चार्ट में वाइफ भी हम शुक्र से देखते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स, ये सारे शुक्र के अधीन है। राहु का सीधा सा काम है, आप इतना जान लीजिए, किसी भी ग्रह के साथ बैठना है तो उसके गुणों को अपने अंदर समाना है और उस चीज़ को एम्पलीफाई कर देना। राहु एक चीज़ को इधर से उधर ले जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। जुपिटर एक्सपेंड करता है पर वो एक हद तक एक्सपेंड करता है, राहु की कोई हद नहीं है, वो कितना भी कर सकता है। तो शुक्र राहु का अगर आपने किसी के चार्ट में कंजक्शन पाया, पॉजिटिव ट्रेड्स हैं या आप ये देख सकते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा धन हो सकता है, या उसका खुद का बहुत अच्छा घर हो सकता है, या वो बहुत वेल्दी या बहुत सुंदर हो सकता है। चारों में से एक चीज़ आपको उसमें से देखने को मिलेगी मिलेगी, गारंटी है। अगर शुक्र राहु का योग है किसी मेल के चार्ट में तो ऐसा मेल ना ये चीज़ भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा मैटर अफेयर रखे शादी के बाद, एक से ज़्यादा अत्यधिक फीमेल से उसके रिलेशनशिप बन जाए, क्योंकि राहु एक्सपेंड करेगा ना फीमेल, तो शुक्र अगर मेल के चार्ट में है तो गर्लफ्रेंड भी हो गई। वैसे मरकरी भी कहीं ना कहीं नाड़ी में देखा जाए तो उसको उससे कनेक्ट किया जाता है, मरकरी को गर्लफ्रेंड से, बट वैदिक में मैं शुक्र को गर्लफ्रेंड से जोड़ता ही हूँ क्योंकि फीमेल है। तो शुक्र और राहु का कंजक्शन जब भी होगा ना तो ऐसे लोग आप देखना बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ करते हैं चीज़ों में, इनके पास कुछ नहीं भी होगा तब भी शो ऑफ कर देंगे। नहीं मान के चलिए, अगर ये नेगेटिवली काम कर रही है तो हो सकता है किसी पे बहुत पैसा भी ना हो, ये शो ऑफ करेंगे कि हम पे बहुत है, दिखाएंगे लोगों को। इनका पहनावा अच्छा हो सकता है, ये पॉजिटिव ट्रेट्स है, ये बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हो, वो पहनते हो, टैटूज बनवा रखे हों, और इन लोगों को ना अपनी सर्जरी भी कराते हैं, फेस सर्जरी। अगर मंगल इनके ट्राइन में आ जाए तो इन लोग फेस पे अपना बहुत काम करते हैं, फेस केयर करना, अपनी सुंदरता पे ध्यान देना, कॉन्शियस रहते हैं अपने आपके ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा। और ना ये लोग ना अपने सुंदरता पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और अगर किसी मेल के चार्ट में है ना तो शादी के बाद उसके लिए वाइफ उसको या तो वेल्थ बढ़ा सकती है, और अगर नेगेटिव काम कर रही तो डिक्रीज भी कर सकती है। और शुक्र राहु का योग ना शादी के बाद एक और चीज़ है कि वाइफ पे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, बीमारी पे भी बढ़ सकते हैं, वो आपकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर जाएगी, ऐसा हो सकता है। शुक्र राहु का योग है ना तो ऐसा फीमेल भी होगी ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होगी, बहुत सुंदर होगी, ब्यूटीफुल आइज होंगी उसकी। और एक चीज़ है कि उसको अच्छा ससुराल मिल सकता है, बहुत धनी ससुराल, अच्छा हस्बैंड मिल सकता है। पॉजिटिव ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये मीन राशि में है, जल तत्व की राशि में थोड़ा बहुत क्या होता है ना, व्यक्ति का मन थोड़ा डामाडोल हो जाता है रिलेशनशिप्स को लेकर। स्थिर राशि में कई बार गुरु की दृष्टि आ जाए या गुरु के साथ हो जाए तो स्टेबल हो जाता है माइंड, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। पर शुक्र राहु ना थोड़ा एडिक्शन देता है चीज़ों की तरफ, जिसको नहीं करना चाहिए आपको। और ये योग ना आपको बहुत ज़्यादा वेल्थी बना सकता है, अगर ये नम्मांश कुंडली में भी अगर बन रहा है और लगन में भी बन रहा है तो आपकी लाइफ में प्रॉमिस है कि आप वेल्थी बन सकते हैं, प्रॉमिस मिला है आपको, ये कोई मिटा नहीं सकता, ये आपका डेस्टिनी है कि आपको आप अमीर बन सकते हैं, आप पे बहुत अत्यधिक धन हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, आप पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ हो सकती हैं। शुक्र राहु का योग ना विदेश से धन कमवाता है, विदेश यात्रा करवाता है, और ऐसे लोग अगर बिजनेस करें ना तो उसमें अच्छा एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बट ये योग आपको थोड़ा बहुत वाइफ को लेके पॉजिटिवनेस दे सकता है, पार्टनर को लेके पॉजिटिवनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण रिलेशनशिप्स ख़राब भी होते हुए मैंने देखे हैं। और ये योग ना शक्की नेचर भी देता है अपने पार्टनर को लेके, और थोड़ा बहुत ऐसे लोग रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ है दिमाग में भी आ नहीं रहा, बट मैं बताते चल रहा हूँ आपको। और भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं कि एक चार्ट देखा था मैंने अभी किसी का, तो उसमें ये योग ना बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा था, उसके ट्रायल में मंगल भी था, उन पर बहुत ज़्यादा लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी उनके पास, मैंने किसी की कुंडली एनालिसिस की थी, और बहुत अच्छा पैसा था, ज़मीनों का पैसा जिसको होता है ना, बहुत अच्छा था।
पॉजिटिव भी काम करता है योग, और नेगेटिवली दोनों क्षमता होती है उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।